हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉड्यूल 5 के बारे में। आप सभी को पता है कि जो है इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की चल रही है, ITI ऑल ट्रेड। आप किसी भी ट्रेड में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है पूरा टॉपिक है, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के हैं। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। साथियों, इसके पहले मैंने 3 टॉपिक जो है समाप्त कर दिए हैं। पहला अंग्रेजी साक्षरता, जिसमें 45 क्वेश्चन। दूसरा IT साक्षरता, इसमें 46 क्वेश्चन। तीसरा जो है संचार कौशल, इसमें 35 क्वेश्चन। चौथा जो है उद्यमिता कौशल, जिसमें 17 क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी उत्पादकता मॉड्यूल 5 के बारे में। और फर्स्ट ईयर में जो कोर्स है साथियों, टोटल 8 मॉड्यूल पढ़ने हैं। 4 मॉड्यूल समाप्त हो गए, 4 मॉड्यूल रह गए, जिसकी वीडियो मैं 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर पिछले के आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर देख लें। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पहले हम आप सभी को दिखाते हैं साथियों कि इस बार का जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस प्रकार से है। आप सभी को पास अगर होना है तो आपको कुछ इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर आपके जो आएंगे साथियों, आपके जो थ्योरी से आएंगे 38 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 76 नंबर के होंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन अर्थात मैथ से जो आएंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के। ड्राइंग से जो आएंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के। और इम्प्लॉयबिलिटी के साथियों आएंगे 25 क्वेश्चन, जो कि 50 नंबर के रहेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे साथियों 75 क्वेश्चन होगा। टोटल जो नंबर होंगे वो 150 नंबर के पेपर होंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से होगा। तो आइए हम चलते हैं और हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी उत्पादकता से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। जब भी हम ATM का प्रयोग करते हैं उस समय हम ATM का प्रयोग करते समय किस चीज़ का प्रयोग करते हैं साथियों? पैसे निकालते समय तो हम क्या यूज करते हैं? पिन यूज करते हैं। ATM पिन जो है होता है 4 नंबर का, जिसका प्रयोग करके हम पैसे को निकालते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, एक्सपेंशन ऑफ ATM, ATM का विस्तार रूप। आपसे ATM का फुल फॉर्म पूछा है, तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है साथियों वह होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर हमसे बात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, कम उत्पादकता के कारण होगा, मतलब कम उत्पादन के कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलिटिकली स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब भी हम उत्पादन को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो किस लिए, कैसे हम उसे बताते हैं कि हमारा लाभ हुआ अनुआ, तो हम क्या करते हैं साथियों, आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। जो भी आता है, कितना हमने आउटपुट हुआ, कितना इनपुट लगाया था, उससे जो है पता चल जाता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है या प्लस में जा रही है या माइनस में जा रही है, प्रॉफिट है या लॉस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। किसी भी बिजनेस में आप अगर अपनी पहचान को स्थापित करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है साथियों? अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए हमें जो है KYC करानी पड़ती है। तो KYC आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वचालन का क्या लाभ है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन? जो भी कंपनी में सब जगह ऑटोमेशन हो रहे हैं उसका क्या लाभ होता है साथियों, इसके बारे में पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम। इसका यह कारण है कि ऑपरेशन टाइम जो है आपका कम हो जाता है और कम समय में जो है अच्छे काम जो है हो जाते हैं। इसीलिए हम जो है जगह जगह पर सभी जगह जो है ऑटोमेशन का काम शुरुआत कर दिए हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों आपका, बेरोजगारी की दर क्या है? आपको यहाँ पर दर निकालना है साथियों। यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं और 100 मिलियन लोग जो है कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि जो बेरोजगारी की दर है वह कितनी है। तो साथियों जो बेरोजगारी की दर निकालोगे वह आएगी आपका 20% जो है आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20%।
साथ में जब भी हमें निकालना होगा कि हम किस प्रकार से जो है कैसे इसे निकालेंगे कि 20% हुआ, तो हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कितना दिया है कि 125 मिलियन लोग हैं, जिसमें से 100 मिलियन लोग कार्यरत है। तो 125 में से साथियों अगर हम 100 मिलियन निकालेंगे तो कितने आएंगे साथियों, आपके 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। तो 25 मिलियन को अगर हम निकालेंगे तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वह क्या कैसे निकालेंगे, तो 25 मिलियन लोग हैं साथियों, 100 मिलियन जो है कार्यरत हैं, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 25 हो जाएगा और भागे 125, क्योंकि टोटल जो है साथियों 125 मिलियन लोग हैं और काम जो कर रहे हैं वो 100 लोग कर रहे हैं और 25 मिलियन ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इनका गुणा करेंगे साथियों और टोटल कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2500 भागे 100, जब आप 25 करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा साथियों वो आएगा 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम बात करते हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार को निर्धारित करता है, कौन सा बाजार है साथियों जो कि वास्तविक मजदूरी को और रोजगार को निर्धारित करता है। यह जो है साथियों बाजार मार्केट के अंतर्गत आएगा, कौन सा है वो आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह होता है श्रम बाजार। श्रम बाजार जो है साथियों वो डिसाइड करता है कि किसी भी बाजार की वास्तविक मजदूरी और रोजगार का कितना पैसा होना चाहिए, ये सारे काम जो है लेबर मार्केट अर्थात श्रम बाजार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसके पहले भी जो क्वेश्चन आया था साथियों, इसमें एक टॉपिक था जिसमें मैंने बताया था कि पूरे देश की अगर आर्थिक स्थिति निकालनी है तो किसका हम प्रयोग करते हैं साथियों, उस समय हम GDP का प्रयोग करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध जोखिम की श्रेणी जो है कौन सी है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रौद्योगिकी जोखिम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। इसमें पूछा है कि प्रोत्साहन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। इंसेंटिव का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या है साथियों, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की जो उच्च लागत है वह प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों है, बेहतर गुणवत्ता हो ये भी प्रोत्साहन का उद्देश्य है, हाई आउटपुट हो अगर आप कंपनी में ज़्यादा उत्पाद कर रहे हैं तो भी जो है प्रोत्साहन आपको दिया जाएगा। रिड्यूज वेस्ट, अगर आप कंपनी में जो है काम करते समय वेस्ट को कम कर रहे हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर आप यही उल्टा कर रहे हैं, उत्पादन की उच्च लागत करेंगे तो फिर आपको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इनमें से कौन सा दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकृत नहीं है। इसमें पूछा है कि अगर आपको KYC करानी है तो कौन सी ऐसी चीज़ है इन डॉक्यूमेंट में जो कि ज़रूरी नहीं है, स्वीकार नहीं होता, वो होता है साथियों इनकम सर्टिफिकेट। KYC के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी अवस्था है, मतलब आपको अवस्था बताना है कि कौन सा अवस्था है जो कि राजस्व वृद्धि की अवधि को माना जाता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आपको बताने हैं कमेंट करके। तो साथ ही इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है जाके देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।